पहले जब तारक मेहता देखता था तब लगता था कि सबसे ज्यादा गम पोपटलाल को है यार, इस बंदे की शादी ही नहीं हो रही। लेकिन जब से क्रिकेट देखना शुरू किया तब से समझ गए कि भाई पोपटलाल का गम तो बहुत कम है, क्योंकि क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ा गम और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गम तो संजू सैमसन को है। क्योंकि यार इस बंदे का पहले तो बीसीसीआई वाले सिलेक्शन नहीं कर रहे थे, और जब सिलेक्शन कर रहे थे तब T20 वर्ल्ड कप होता था तब वनडे के अंदर कर देते थे, और वनडे वर्ल्ड कप होता था तब T20 के अंदर कर देते थे। और इस साल 2024 के अंदर हमें उम्मीद थी कि भाई इस साल बड़ा T20 वर्ल्ड कप है और उसके अंदर संजू सैमसन का सिलेक्शन हो गया, अफगानिस्तान के सामने सीरीज है उसके अंदर, तो ये बंदा हमें खेलता हुआ नजर आएगा। और जैसे यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से रन बनाए, विराट कोहली ने अपनी बेहतरीन पारी दिखाई और शिवम दुबे ने भी अपना ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखा दिया, इसी तरह से संजू सैमसन भी अपनी बेहतरीन विकेट कीपिंग के साथ साथ अपने बल्ले से रन बनाते हुए नजर आएंगे। अपना बल्ला यू आसमान की तरफ ऊंचा करेगा और कहेगा बीसीसीआई वालों के बब्बा तुमने हमें नहीं खिलाया, उसका नतीजा है वरना हमारी क्षमता बहुत है। लेकिन खैर यार, दो मैच खत्म हो गए और दोनों के अंदर जितेश शर्मा को मौका मिला लेकिन संजू भैया को मौका नहीं मिला। जितेश शर्मा को एक मौका नहीं देते क्योंकि उसने तो पहले ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच थी उसके अंदर उसको मौका मिला था, तो उसको अगर यहाँ पर मौका नहीं देते संजू भैया को ही दो मौके दे देते यार, अब आखिरी ही मैच बसे उसके अंदर मेरे हिसाब से देंगे, लेकिन दो मैचों में से एक के अंदर ही मौका दे देते तो संजू भैया अपनी थोड़ी क्षमता का प्रदर्शन कर देते, क्योंकि पहले से आप उसके साथ नाइंसाफी करते आए हो, पहले से आप उसका सिलेक्शन नहीं कर रहे हो। लेकिन खैर, अब आखिरी मैच बसी है और आखिरी मैच के अंदर मेरे को उम्मीद है बीसीसीआई वाले से थोड़ी सी इसी लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पर राहुल द्रविड़ जी अब एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे रवि बिश्नोई को हटाकर, क्योंकि बब्बुआ दूसरी मैच के अंदर रवि बिश्नोई भले एक विकेट ली हो और थोड़े सफल गेंदबाज रहे हो, लेकिन यह बात भी नौजीनी रहेगी कि बब्बुआ रवि बिश्नोई की पिटाई भी बहुत हुई थी, तो उसके बदले अब कुलदीप यादव को खिलाया जाएगा, तो एक खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट हो गया। अब दूसरा रिप्लेसमेंट करने की जरूरत है जितेश शर्मा को, यार एक मैच ड्रॉप करो और प्लीज आखिरी मैच है उसके अंदर संजू भैया को विकेट कीपर के तौर पर और बल्लेबाज के तौर पर खिलाओ, क्योंकि अफगानिस्तान के सामने आज हमारी आखिरी T20 मैच है, उसके बाद हम सीधा IPL खेलेंगे और IPL के बाद सीधा हम खेलने वाले T20 वर्ल्ड कप। अगर संजू भैया राजस्थान रॉयल के अंदर तो बेहतरीन परफॉर्मेंस करते ही है लेकिन वहां पर वो अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस शायद नहीं कर पाए कप्तानशिप के चलते, तो वैसे भी आप उसको ड्रॉप करने वाले हो, तो बब्बा अगर इसको एक चांस देना ही है इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर तो एक आखिरी ही मैच बसी है, आज ही दे दो। लेकिन खैर, अब बात करते हैं T20 के कप्तान हमारे रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा जी ने दुबे के साथ मिलकर हार्दिक पांड्या का पत्ता काटने का तो डिसाइड कर लिया है, लेकिन रोहित जी थोड़ा अपनी बैटिंग पर भी थोड़ा फोकस करो यार। आप पहली मैच के अंदर जानते थे गिल की गलती थी और रन नहीं ले पाए थे और उसके चलते आप आउट हो गए थे, और आपने 14 महीने बाद जो कमबैक किया था उसका पूरा का पूरा एल लग गया था, समझ लो ना। लेकिन दूसरी मैच के अंदर पहले ही बॉल से अटैक करना यार थोड़ा समझो, ऐसा नहीं होता, T20 के अंदर भी थोड़ा सेट होने का समय मिलता है। कोहली भैया कल आए थे, उसने भी पहली गेंद से अटैक किया था लेकिन संभल कर अटैक किया था, ऐसा नहीं कि बस हवा के अंदर बैट घुमाया और बॉल अपनी जगह पर, बैट अपनी जगह पर और आप अपनी जगह पवेलियन पर, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो थोड़ा सा आप भी ध्यान दो, ऐसा ना हो दुबे के साथ मिलते मिलते आप दुबे की कैरियर बसा लो और अपना कैरियर और हार्दिक पांड्या भी टीम के अंदर खेल ले, तो थोड़ा सा ही सही लेकिन अपनी बैटिंग पर भी ध्यान दो। हाँ, मुंबई के अंदर खेलने वाले हो, आपके पास बेहतरीन मौके और आपकी बैटिंग पर हमें भी शक नहीं है, बीसीसीआई वालों को भी शक नहीं है, लेकिन आप मुंबई की तरफ से कैसी बैटिंग करते हो सबको पता है, क्योंकि IPL के अंदर आपका खास कोई रिकॉर्ड है नहीं, और वैसे भी आपने T20 फॉर्मेट के अंदर सबसे ज्यादा डक पर आउट होने का रिकॉर्ड बना लिया है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अपने पर्सनल आंकड़े पर भी थोड़ा फोकस करो, टीम के आंकड़े तो वैसे भी अफगानिस्तान के सामने अब सीरीज जीती गए हैं, तो आपके पास आखिरी मैच तो जीतो, उसके अंदर पहली बैटिंग चूज करो और उसके अंदर आप दोहरा तक जड़ दो। हाँ, थोड़ी उम्मीद ज्यादा है लेकिन चलेगा ना यार, क्योंकि पूरा वीडियो सीरियस बनाया है तो आखिर में तो थोड़ा एक दो फेंकना बनता है ना। तो बस दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप से पहले हमारी आखिरी अफगानिस्तान के सामने इंटरनेशनल T20 मैच बसी है, तो उसके अंदर हमें द्रविड़ जी अपना एक्सपेरिमेंट करते हुए तो नजर आने ही वाले हैं, लेकिन देखना यह भी रहेगा कि IPL के अंदर हमारे खिलाड़ी कैसा परफॉर्मेंस करते हैं और T20 वर्ल्ड कप की टीम का कैसा चयन होता है। हम तो ये उम्मीद यही कर रहे हैं कि बेहतरीन हो, आज की मैच के अंदर भी हम जीत जाए और अफगानिस्तान वालों के सामने वैसे भी हम सीरीज जीती गए, आज तक हमारा ऐसा रिकॉर्ड है कि हम अफगानिस्तान के सामने एक T20 सीरीज नहीं आ रहे, तो आज की मैच भी जीत जाए और उसकी जो बसड़ होगी उसके साथ मिलेगी कल अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।